जय हिंद एवरीवन। आज का प्रस्तुत कविता है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, इज कंपोज्ड बाय W.H. Auden। फर्स्ट स्टैंजा में कवि कहता है कि अब पत्ते बड़ी तेजी से गिर रहे हैं, अर्थात मानव की मृत्यु बड़ी तेजी से हो रही है। नर्सिस फ्लावर्स पेड़ों के जड़ों के साथ उगे हुए एक प्रकार की घास है, अब ये भी ग्रेव्स यानी कब्र में समा गए हैं। यहाँ परम्स का संबंध मानव के अंतिम विदाई से है। इस संसार में जन्म मृत्यु का खेल ऐसे ही सदा चलता रहेगा। सेकंड स्टैंजा में कवि कहता है कि इस संसार के स्वार्थी लोग हमारे चारों तरफ रहते हैं, हमें हमारे वास्तविक लक्ष्यों से भटकाते रहते हैं। एक दिन हमारे एक्टिव हैंड्स यानी मानव की कार्य क्षमता कम हो जाती है, मानव अपने घुटने के बल आ जाते हैं और इस संसार में अकेले पड़ जाते हैं। स्वार्थी लोगों को कवि ने यमराज के नाम से पुकारा है। थर्ड स्टंजा में कवि कहता है कि इस जीवन यात्रा पर चलते हुए हजारों लोग इस ताबूत में समा गए हैं। वे इस जहां से चले गए हैं, मरने के बाद उनके दोनों हाथ अकड़ जाते हैं। यहाँ इन फॉल्स ऑफ एटीट्यूड ऑफ लॉ का संबंध उस क्षण से है जब लोग उस मरे हुए को अंतिम विदाई में शामिल हो जाते हैं और उसकी अंतिम विदाई में शामिल होकर वापस अपने घरों में लौट जाते हैं, उससे अपना संबंध धीरे धीरे भुला देते हैं। फोर्थ स्टैंजा में कवि के अनुसार अब यह संसार बिना पत्तों के समान है, अर्थात ट्रोल्स अपने भोजन के तलाश में हैं। यह ट्रोल्स का सीधा संबंध सामाजिक बुराइयों से है। इस जगत में सामाजिक बुराइयां दिनों दिन फैल रही है, स्वार्थी लोगों का वास हर जगह होने लगा है। सज्जन लोग चुप हो गए हैं और उनकी मदद करने वाले कोई यमदूत भी नहीं आएंगे, अर्थात अब स्वार्थी लोगों का बोलबाला होगा। इस कविता के फिफ्थ स्टैंजा में कवि कहना चाहता है कि ऊंचे ऊंचे दिखाई देने वाले पहाड़ भी ठंडे हो गए हैं, अर्थात समाज के मार्गदर्शकों की संख्या में कमी हो गई है। इन पहाड़ों से निकलने वाले झरने व नदियां यात्रियों को उनके लक्ष्य तक पहुंचाते हैं, अर्थात जल स्रोतों का उपयोग पीने तथा अन्य कार्यों में किया जाता है। इस कविता का आशय है कि मानव अपने गलत रहन सहन कार्यशैली के कारण इस संसार से जा रहे हैं, अर्थात उनकी मृत्यु हो रही है। चारों ओर भ्रष्ट का बोलबाला है।